हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएसआई फार्मासिस्ट सीआरपीएफ मॉडल पेपर फोर पार्ट वन जिसमें कि एमसीक्यू सी वन टू ट्वेंटी फाइव होंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन इनक्यूरेबल डिसीज़ आर गिविन इन विच शेड्यूल ऑप्शन ए शेड्यूल एच ऑप्शन बी शेड्यूल जे ऑप्शन सी शेड्यूल जी एंड ऑप्शन डी शेड्यूल एम द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी शेड्यूल जे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलोक्यूनॉन इज आल्सो नॉन एज ऑप्शन ए विटामिन के ऑप्शन बी विटामिन ई ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन डी द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी विटामिन के दोस्तों विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैलसीफीरोल दोस्तों आप विटामिन ई e का केमिकल नेम कमेंट करके बताइए जल्दी से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डिस्कवरी इन फर्स्ट विटामिन बाज पब्लिश्ड इन 1911 बाय ए पॉलिस बायोकेमिस्ट ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी बिलियम हार्बे ऑप्शन सी फंक एंड ऑप्शन डी रोबल्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दोस्तों अलेगजेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और बिलियम हार्बे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग टाइम रेंज फ्रॉम ऑप्शन ए वन टू फाइव मिनट ऑप्शन बी फाइव टू टेन मिनट ऑप्शन सी टेन टू फिफ्टीन मिनट एंड ऑप्शन डी फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वन टू फाइव मिनट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन इज एक्ट एज ए प्रोहार्मोन। ऑप्शन ए विटामिन ऑप्शन बी विटामिन सी ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन के द राइट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन डी विटामिन डी हमारा एज ए प्रो हारमोन की तरह काम करता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफिशेंसी ऑफ विटामिन इज ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस ऑप्शन बी इम्पेयर्ड ग्रोथ ऑप्शन सी डिक्रीज रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवब द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव ये तीनों ही विटामिन ए की डिफिशेंसी से हो जाते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल रैनल क्रिटिन इन क्लियरेंस वैल्यूज लाइज बिटवीन ऑप्शन ए 80 टू 120 ट्वेंटी एम एल पर मिनट ऑप्शन बी हंड्रेड टू वन फिफ्टी एम एल पर मिनट ऑप्शन सी वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड एम एल पर मिनट एंड ऑप्शन डी वन फिफ्टी टू एट्टी एम एल पर मिनट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी एट्टी टू वन ट्वेंटी एम एल पर मिनट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज द लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स ऑप्शन ए थ्री टू सेवन डेज ऑप्शन बी सेवन टू टेन डेज ऑप्शन सी टेन टू फिफ्टीन डेज एंड ऑप्शन डी फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी सेवन टू टेन डेज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई प्रोफेन ब्लैंक्स टू शेड्यूल ऑप्शन ए शेड्यूल पी ऑप्शन बी शेड्यूल जे ऑप्शन सी शेड्यूल ओ एंड ऑप्शन डी शेड्यूल एच द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी शेड्यूल एच शेड्यूल एच हमारा शेड्यूल एच के अंतर्गत हमारी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मेंबर ऑफ द डी टैव होल्ड द ऑफिस फोर ऑप्शन ए वन ईयर ऑप्शन बी टू ईयर ऑप्शन सी थ्री ईयर एंड ऑप्शन डी फाइव ईयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानि थ्री दोस्तों डी टैप की फुल फॉर्म होती है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स ऑप्शन ए ओरल इंजेक्शन ऑप्शन बी रेक्टल सपोजिट्री ऑप्शन सी इंट्रावेनस इंजेक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज The right answer is option C intravenous injections. The next question is in which of the following phase of clinical trial of drug ethical clearance is not required? Option A phase first, option B phase 2, option C phase 3 and option D phase 4. The right answer is option D, yani phase four. The next question is, Which of the following shows high first pass metabolism? Option A, propranolol, option B, phenobarbital, option C, phenylbutazone, and option D, phenytoin. The right answer is option A, yani propranolol. The next question is pharmacovigilance is used for option A, to monitor drug toxicity, option B, check cost option c monitoring of students option d to monitor unauthorized drug manufacture the right answer is option a yani to monitor drug toxicity the next question is stevens johnson syndrome is the most common adverse effect associated with ऑप्शन ए सल्फोनामाइट्स ऑप्शन बी पैनिसलिन्स ऑप्शन सी मैक्रोलाइट्स एंड ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिनस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी सल्फोनामाइट्स दोस्तों आप किसी आप एक मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए कमेंट करके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबर बिकॉज option a it gets degraded in the git option b it causes severe diarrhea and option c it is not absorbed from the git and option d it causes metallic taste in the mouth the right answer is option c yani it is not absorbed from the git the next question is The given antibiotic is an example of ansamycins Option A, roxithromycin. Option B, erythromycin. Option C, oreomycin. And option D, rifamycin. The right answer is option D, any rifamycin. The next question is Nicotinic action of acetylcholine is blocked by the drug. Option A, atropine. বিাৰ্বেডিলুবাৰাইন দ ৰাইট আনছৰ ইজ এপ্শন ডি টি ডি টি কুৰাৰাইন দ নেক্সট কেশন ইজলেকটি চেৰোটন ইন ৰপটেক ইনটাৰ ইজ অপ্শন এ ইমিপ্ৰামাইন বিচিটাজাইড ুকচিটিন एंड ऑप्शन डी नेफाजॉलीन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी फ्लोक्सीटीन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फोलोइंग इज ए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ऑप्शन ए ट्रैक्सामिक एसिड ऑप्शन बी स्टेप्टोकाइनेज ऑप्शन सी अमिनो कैप्रोइक एसिड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी स्टेप्टोकाइनेस

The next question is Which one of the following drugs is not a typical antipsychotic agent? Option A. Chlorpromazine Option B. Haloperidol Option C. Risperidone And Option D. Flopantisol The right answer is option C. Yani risperidone The next question is आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज़ नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया काउ्ड बाई प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम ऑप्शन ए आर्टिमिसिन इन ऑप्शन बी प्राइमाक्इन ऑप्शन सी क्यूनिन एंड ऑप्शन डी मैफ्लोक्वीन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी आर मिशीन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेटाबोलाइट ऑफ स्पिरोनोलैक्टोन इज ऑप्शन ए एल्डोस्टिरोन ऑप्शन बी कैनरीनॉन ऑप्शन सी कॉर्टिकोस्टिरोन एंड ऑप्शन डी प्रैग्नेनोलॉन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कैनरीनॉन हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेफ्ट्री एक्जोन कैन बी यूज इन ऑप्शन ए गोनोरिया ऑप्शन बी टाइफाइड फीवर ऑप्शन सी मैन इन गोकूकल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवोब द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग